सो हेलो गाइस, अगर आप लोग अपना ऑफलाइन एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे ऑफलाइन अपने एसबीआई का एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, क्या करना पड़ेगा एसबीआई का ऑफलाइन एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए, एट फर्स्ट आप लोगों को नियरेस्ट ब्रांच पर चल जाना होगा। आप लोगों को नियरेस्ट ब्रांच पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म आना पड़ेगा। तो गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं कहना, एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर नहीं जानते हो तो सिर्फ कहना है मैनेजर को कि सर मैं एक नया एटीएम कार्ड बनवाना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने आप लोगों को एक फॉर्म देगा, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद फ्रेंड आप लोगों को क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। तो फिलअप करना होगा और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस वीडियो में मैं बोलूँगा, और आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलअप करना एकदम आसान तरीका है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एटीएम कार्ड का वास्ते फिलअप करने वाला हूँ। तो इधर आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, टिक द रिक्वायर्ड सर्विस ओनली, तो मतलब जो रिक्वायर्ड है उन सर्विस के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। तो हम लोग एटीएम कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इधर ब्रांच, आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम इधर लिख देंगे, और फ्रेंड इधर आप लोग देख पा रहे हो एससी नंबर, मतलब आपका जो भी अकाउंट नंबर है उधर दे देंगे। ठीक है, देन डेट, मतलब जिस तारीख पे आप इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, तो जिस सबमिट डेट इधर दे देना पड़ेगा, मतलब जिस तारीख को आप लोग इस फॉर्म को जमा करेंगे उस तारीख इधर दे देना। उनके बाद फ्रेंड हम लोग पाँच नंबर तक को स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एटीएम कार्ड के लिए ही इस फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सिक्स नंबर पर आते हैं, सिक्स नंबर पर बोल रहा है फ्रेंड, फॉर इशू ऑफ एटीएम कार्ड प्लीज़ इशू एटीएम कार्ड ऑन माय अकाउंट, मतलब एटीएम कार्ड इशू करने के लिए सिक्स नंबर ऑप्शन पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर सिर्फ हम लोगों को टिक देना पड़ेगा। तो सिक्स नंबर पर जैसे आप लोग टिक देंगे, नीचे आ जाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सबको सिंपल फ्रेंड ब्लैंक फाँका रख देना पड़ेगा। ठीक है, फाँका रख देने के पड़े फ्रेंड नीचे आ जाना पड़ेगा। नीचे आ जाएगा के बाद इधर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे आप लोगों फ्रेंड अपना नाम, एड्रेस, जो एड्रेस आपका पासबुक में है, ठीक है, एसबीआई पासबुक में उस एड्रेस दे देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इधर आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा कस्टमर का, ठीक है, आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपका टेलीफोन नंबर लिखना पड़ेगा। और अगर आपका एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो इधर आपका ओल्ड एड्रेस देना, और इधर जो एड्रेस बनवाना चाहते हो उस एड्रेस इधर फिल कर देना पड़ेगा। तो हम लोग एटीएम कार्ड अगर ओल्ड एड्रेस पर आना चाहते हो तो सिंपल फ्रेंड आपका जो पासबुक में एड्रेस है उस एड्रेस को इधर लिख देना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड आपको आधार कार्ड का जेरोक्स एंड पैन कार्ड का जेरोक्स एंड अगर आपका वोटर आईडी है तो वोटर आईडी का जेरोक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ पंच करके आपका ब्रांच पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर कार्ड का जेरोक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ दे देना पड़ेगा, जमा कर देना पड़ेगा। विद इन फोर वीक्स आपके घर पर एटीएम कार्ड आ जाएगा। तो एंड तक देखने के लिए असंख्य धन्यवाद, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं काफ़ी आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।